Assalamualaikum guys, this is Ahmed Kasmani और आज मैं मौजूद हूँ Hunger's Den पे। और यहाँ आने की खास वजह यह है कि भाई यह कराची का वो रेस्टोरेंट है जो कि 70% चैरिटी में दे देता है अपने प्रॉफिट में से। तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना इस नोबल कॉज के अंदर हम भी अपना एक पार्ट दें और यहाँ आके एक अच्छा सा बर्गर भी इंजॉय करें और साथ ही साथ जो है वो एक नेकी भी करें। तो चले आपको यहाँ पे इनके लावा बर्गर के ज़रा शशके चेक कराते हैं, बड़े हैवी शशके हैं इनके लावा बर्गर के, और उसके बाद इनसे बात भी करेंगे कि भाई किस तरीके से ये इस नोबल कॉज को लेकर चल रहे हैं। आए ज़रा शशके चेक कराते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं Hunger's Den के ओनर हसीब भाई। हसीब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, खैर से आप सुनाए? खैर से, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हसीब भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों का जो ये नोबल कॉज है बहुत ही बेहतरीन कॉज है कि 70% जो है वो आप चैरिटी में देते हैं, ये आप लोगों ने कैसे सोचा, कैसे इसका इनिशिएटिव लिया? एक्चुअली मेरे एक ब्रदर हैं। अच्छा, तो उनका शुरू करता हुआ कॉज है, दफ़ा कहीं चैरिटी कर देते हैं या किसी को अफ्तार ड्राइव में राशन में दे देते हैं, तो उससे अच्छा हमने ये सोचा कि हर जब मंथली बेस पे जो भी प्रॉफिट आ रहा है हमारे रेस्टोरेंट का, उसमें से 70% हम मुख्तलिफ जगहों पे चैरिटी करते हैं। जैसे हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स हो गए उनको, और बाकी और भी बहुत सारी एनजीओज हैं। माशाल्लाह यार, बहुत ही एक ज़बरदस्त कॉज है। इनकी थिंकिंग ये है कि अगर हम कहीं जाते हैं कोई इफ्तार ड्राइव वगैरह एक्स वाई जी किसी भी चैरिटी के काम में अगर वंस देते हैं तो वो एक ही बारी में ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ इन्होंने रेस्टोरेंट का इनिशिएटिव इसलिए लिया कि भाई यहाँ पर लोग आएँ, सारी ज़िंदगी खाएं, और उसका 70% प्रॉफिट हमेशा जो है वो चैरिटी में जाता रहे। बहुत ही ज़बरदस्त, हमारे वेल क्वालिफाइड शेफ्स हैं सारे, ठीक है, और इनमें से 3-4 शेफ जो हैं वो दुबई के हैं, और हमारे पास एक जो हमारे हेड शेफ हैं वो माशाल्लाह से बहरीन से हैं। ऐसी डिशेज हैं जो पूरे कराची में अलहमदिल्ला अभी कहीं नहीं होगी, यूनिक डिशेज हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, चलें ट्राई करेंगे। डिशेज हैं और हमारी शेफ स्पेशल डिशेज बहुत हैं, कुछ उनके आइडियाज़ भी थे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमसे कई गुना ज़्यादा है। सही बात है, ठीक है, कुछ हमने भी अपना आइडिया उनको पेश करा तो उन्हें समझ आया, तो उन्होंने वर्किंग करी। सही, ज़बरदस्त, यानी कि इनकी भी कुछ हाथ था, कुछ शेफ्स का भी हाथ था, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, वहाँ के जो शेफ्स होते हैं वो थोड़ा सा पीका बनाते हैं और यहाँ कराची वाले जो है ना वो थोड़ा सा स्पाइसेस को पसंद करते हैं। तो बिल्कुल, अभी आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या ट्राई करवाने वाले हैं। मैं आपको हमारी जो दो स्पेशलिटीज़ हैं हमारे रेस्टोरेंट की, वो है शेफ स्पेशल चिकन टैकोस और एक बम्बूसा लावा बर्गर, जो हमारा सबसे भाई ये लावा बर्गर तो मुझे लाजमी ट्राई करना है क्योंकि मैंने इसकी बहुत वीडियोस देखी है, बड़ा मज़ा आता है यार उसको देख के ना, तो ये तो लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ट्राई। तो गाइस, बर्गर के शशके तो आप लोगों ने देख लिए होंगे, क्या लावा के शशके आए हैं यहाँ पे। अब जो है बस टेस्ट करना बाकी है भाई, और इस क्वालिटी को जो ये मेंटेन कर रहे हैं, और इतनी चीप प्राइस है यार इनके बर्गर की, 490। इससे पहले भी जो है वो हमने चीज़ी लावा बर्गर्स के व्लॉग बनाए हैं जिसमें कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी यार। इतना लावा और चीज़ है, ज़रा क्लोज करके दिखाना यार इसको, कि इतना लावा है इसके अंदर, इतना चीज़ है इसके अंदर, कि जो है ना वो आप हर बाइट के अंदर जो है ना वो आप आराम से इसको फुलफिल करके खा सकते हैं चीज़ के साथ। हाँ हाँ, अमेजिंग यार, पहली बाइट ने ही दिल खुश कर दिया यार, बहुत ही रिच है इसके अंदर चीज़ की क्वांटिटी। इसी के साथ साथ जो है यार, इन्होंने अपने बर्गर के अंदर अनियंस भी डाली हुई है, कुकम्बर हैं और टोमेटोज हैं, बन की क्वालिटी अच्छी है, साइज पैटी का बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है फ्रेश मीट है। एक चीज़ जो मैं इनको रिकमेंड करना चाहूँगा वो ये होगी कि यार, बर्गर को जो है ना खाने का मज़ा बर्गर की तरह है, तो इसमें इनको जो है ना वो ग्लव्स देने चाहिए और ग्लव्स प्रोवाइड करने चाहिए ताकि बंदा जो है ना उसको बर्गर जैसा मज़ा उठा सके इसके साथ। गाइस, अब बारी है चिकन टैकोस की, जो कि मैं आपको बताऊं कि भाई
ये मकई के आटे से जो है इसका टैको जो होता है वो बनाया जाता है। और ये मैंने चिकन में मंगवाया है क्योंकि ऑलरेडी एक बीफ का आइटम हो गया है, तो अब ज़रा एक चिकन के भी आइटम ट्राई हो जाए। इन टैकोस के अंदर जो है इन्होंने फ्रेश वेजिटेबल्स डाली हुई हैं, इसी के साथ साथ ऊपर चिकन के चंक्स डले हुए थे और इनकी मोज़ेरेला चीज़ थी। और इनकी अपनी शेफ मेड जो है वो साल्सा सॉस है, मार्केट से बाय नहीं करते, तो बिल्कुल ही कोई डिफरेंट टेस्ट है इसका। थोड़ा सा मैं कहूँगा सोर, थोड़ा सा स्पाइस, अमेजिंग। जो टैकोस लवर हैं वो लाजमी इसको ट्राई करें यार। इनकी प्राइसेस बड़ी लो हैं और क्वालिटी जो है वो बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की है। 280 के अंदर तीन टैकोस और इतनी ज़बरदस्त फिलिंग के साथ कि यार इसके अंदर हर चीज़ की क्वांटिटी जो है ना वो बड़ी भरपूर है। तो गाइस बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर और टैकोस हमने इंजॉय करे यहाँ पे हंगर डैंस पे। मैं इसकी लोकेशन भी आपको बता दूँ, सोसाइटी ऑफिस की तरफ से जो रोड कश्मीर रोड की तरफ जा रहा है उस पर आपको मिल जाएगा ये हंगर डैंस, बिल्कुल ही कोने पे। अच्छा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो लाजमी आए इसको विज़िट करें। इसको विज़िट करने के यार बहुत सारे रीज़न्स हैं कि इनकी एक तो स्पेशलिटी इनका लावा बर्गर है, और सेकेंडली ये कि इनका एक नोबल कॉज है कि 70% जो है वो अपने प्रॉफिट का चैरिटी में दे देते हैं। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ आपका मूड हो कि एक बहुत ही ऑसम सा बर्गर भी इंजॉय कर लें और साथ ही साथ एक अच्छी सी नेकी भी कर ली, तो लाजमी यहाँ आए इस बर्गर को इंजॉय करें। और हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और इस लावा बर्गर को इंजॉय करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।